हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि जैन, कंसल्टेंट आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। मैं आपके एमपीपीएससी मेंस में आयुर्वेदा के सेक्शंस को डील करूँगी। मेंस के पेपर में पेपर थर्ड में पार्ट बी का यूनिट थ्री, जिसमें त्रिदोष सिद्धांत है, उसको मैं डील करने जा रही हूँ। त्रिदोष ये आयुर्वेद का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, त्री दोष मतलब तीन दोष। उनके नाम है वात, पित्त, कफ। ये तीनों दोष बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये दोष की खास बात है कि ये कोई स्ट्रक्चरल एंटिटी नहीं है कि ये बॉडी में आपको दिखेंगे, बस हम इनके फंक्शन से इनको जानते हैं। तो ये तीनों दोष जो है ये बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट इनका डोमिनेंस होता है किसी एक स्पेसिफिक रीजन में होता है। जैसे वात पूरे शरीर में होगा, लेकिन बिलो नेवल, लार्ज इंटेस्टाइन और पेल्विस एरिया में ज़्यादा डोमिनेंट होगा। पित्त पूरी बॉडी में भी होगा और मिड रीजन, जैसे कि जो अपना डाइजेस्टिव, मेन डाइजेस्टिव सिस्ट होती है डुओडेनम एंड लोअर जीआई ट्रैक्ट में, वहाँ ज़्यादा डोमिनेंट होगा। और कफ भी पूरी बॉडी में होने के साथ साथ चेस्ट और हेड वाले एरिया में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा। तो आयुर्वेदा में जो हेल्थ है वो इन्हीं दोष की, वात पित्त कफ की नॉर्मलसी को डिनोट करता है। मतलब अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें वात पित्त और कफ ये तीनों नॉर्मल स्टेट में होंगे, और अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है तो उसमें इन्हीं वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होगा। वो इम्बैलेंस एक्सेस में भी हो सकता है या डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मतलब वात का एक्सेस हो सकता है बॉडी में तो डिजीज होगी, पित्त का एक्सेस होगा तब डिजीज होगी, कफ का एक्सेस होगा तब होगी, या इन्हीं तीनों दोष की डेफिशिएंसी भी डिजीज कंसीडर करते हैं। ये वात पित्त कफ की पोजीशन हो गई साइट। और अगर हम एज के हिसाब से देखें तो जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, मतलब 60 के अबव जो है, 60 ईयर से ऊपर है, उनमें अगर होंगे तो तीनों दोष, लेकिन वात दोष का प्रीडोमिनेंस होगा। ऐसे ही मिडिल है, मिडिल एज ग्रुप के लोगों में तीनों दोष होंगे लेकिन पित्त का प्रीडोमिनेंस होगा। अर्ली फेज ऑफ लाइफ में बच्चों में तीनों दोष प्रेजेंट होंगे लेकिन कफ दोष प्रीडोमिनेंट होगा। अगर हम डाइजेस्टिव फेज की बात करें तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो फर्स्ट डाइजेस्टिव फेज, जैसे जब डाइजेशन शुरू होता है तब उस टाइम बॉडी में कफ दोष प्रीडोमिनेंट होता है। डाइजेशन हो रहा होता है मिड डाइजेस्टिव फेज में, पित्त दोष प्रीडोमिनेंट होता है, और पोस्ट डाइजेस्टिव फेज में वात प्रीडोमिनेंट होता है। मैं बार बार प्रीडोमिनेंट वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि दोष तीनों ही होंगे, लेकिन जो दोष ज़्यादा होगा उस फेज में हम उस दोष को बोलते हैं। अगर हम दिन या रात की बात करें, ये टाइम जो है ये आप एएम या पीएम दोनों की बात कर रहे हैं, तो वात है इस टाइम ड्यूरेशन में अपनी बॉडी में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। जो 2 बजे से 6 बजे का टाइम होता है वो उस टाइम वात अपनी बॉडी में ज़्यादा डोमिनेंट होता है। 10 से 2 बजे वो पित्त का काम होता है उस टाइम, और 6 to 10 इसमें कफ दोष प्रीडोमिनेंट होता है। इसीलिए जो हम हैवी मील लेते हैं लंच, क्योंकि पित्त का काम है डाइजेशन, तो ये हम 12 बजे के आसपास लंच लेते हैं, 12 से 2 के बीच, वो इसी वजह से क्योंकि उस टाइम पित्त दोष अपनी बॉडी
बॉडी में प्रीडोमिनेंट होता है। ये आप एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, वात पित्त कफ, उनका साइट, एज के अकॉर्डिंग दोष प्रीडोमिनेंस, डाइजेशन के फेज में दोष प्रीडोमिनेंस, और दिन और रात में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे दोषों का प्रीडोमिनेंस। ये जो मैंने दोषों का टाइम के अकॉर्डिंग बताया, तो ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको भी ये कवर करता है कि जो अपनी पूरी घड़ी को देखते हैं और किस टाइम कौन सा दोष प्रीडोमिनेंस है, उसके हिसाब से हम डाइट या फिर और भी चीज़ें मेडिसिन वगैरह हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ है उन्हीं के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो दोष कम है या फिर जो ज़्यादा है उसके हिसाब से हम डाइट पेशेंट की या फिर नॉर्मल पर्सन की या फिर ड्रग्स मेडिसिन वो हम दोष के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक का इम्पोर्टेंस है कि हम जिस समय जिस दोष का प्रीडोमिनेंस है हम ऐसी मेडिसिन या डाइट दें कि वो दोष और एग्रेवेट ना हो पाए या फिर कम ना हो पाए, एक बैलेंस स्टेट में रहे, तभी हम डिजीज फ्री रह पाएंगे। अगर हम इन दोष का फंक्शंस देखते हैं तो वात के फंक्शंस में जाते हैं, तो जैसे एंथुसियाज्म है या फिर अलर्टनेस है वो वात का फंक्शन है, रेस्पिरेशन, पल्सेशन, मूवमेंट्स, जितने भी मूवमेंट्स हैं, इनिशिएशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, ये नेचुरल अर्जेस में जैसे डेफिकेशन, यूरिनेशन, ये सारी चीज़ें वात का फंक्शन है। अगर हम पित्त के फंक्शन में आते हैं, डिजायर, इंटेलिजेंस, करेज, ये सारे साइकोलॉजिकल फंक्शन है पित्त के। अगर हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन, पित्त का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारे पित्त के फंक्शन होते हैं। अगर कफ के साइकोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो इंटेलिजेंस, करेज, पैशन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन, जैसे बॉडी में कहीं भी सिक्रीशन होते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज में सिक्रीशन या फिर जॉइंट्स जो होते हैं अपने हड्डियों के बीच में जॉइंट्स होते हैं उनके बीच साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उसमें अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं रहेगा तो हम जॉइंट को प्रॉपरली मूव नहीं करा पाएंगे। तो कहीं भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है तो हमेशा कफ दोष हेल्प करता है उसमें। और जॉइंट इंटीग्रिटी, इसमें भी कफ दोष का रोल होता है। ये तो नॉर्मल बेसिक फंक्शन हो गए, इसके अलावा इनके और भी फंक्शन है। अब हम एग्रेवेटेड दोष की बात करें, अगर वात पित्त कफ बढ़े हुए हैं तो इनका क्या फंक्शन होगा। वात की बात करें तो अगर वात दोष बढ़ा होगा तो किसी भी पर्सन में अगर वात दोष बढ़ा है तो अटेंशन डेफिशिएंट, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, मेंटल इनस्टेबिलिटी हम उसे कह सकते हैं, डिमेंशिया, मतलब जो भी मेंटल लेवल होगा वो भी उसका किसी भी चीज़ को कैप्चर करने का या फिर गेन करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम होती रहेगी, फियर, इमेसिएशन, अधिकतर वात एग्रेवेटेड लोग पतले दुबले होंगे, जिनमें वात दोष एग्रेवेट होगा वो पतले दुबले होंगे, इमेसिएशन, वेट लॉस उनमें मिलेगा, स्पीच प्रॉब्लम, हमेशा स्पीच प्रॉब्लम, आवाज उनकी बात करते टाइम लड़खड़ाएगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, बैठे बैठे कुछ भी हाथ पैर का हिलाना, या फिर ये नॉर्मली भी ऐसा हो सकता है और डिजीज कंडीशन में भी, जैसे हम ओल्ड एज में देखते हैं कि ओल्ड पीपल्स की बॉडी होती है मूव करती रहती है, वो हमेशा अपनी गर्दन हिलाना या फिर हाथ पैर का मूवमेंट, ये सब वात दोष का है। क्योंकि हमने यहाँ भी पढ़ा है कि लेट फेज ऑफ लाइफ में, लास्ट फेज ऑफ लाइफ में वात दोष का प्रीडोमिनेंस होता है, तो ओल्ड एज में जो मूवमेंट्स होते हैं वो वात डोमिनेंस होने की वजह से ही होते हैं। क्रैम्प्स, कहीं भी पेट में दर्द है, कोई भी तरह का इंटरनल ऑर्गन्स में क्रैम्पिंग हम जो फील करते हैं वो हम वात दोष की वजह से फील करते हैं। ये वात एग्रीवेटेड वात दोष के फंक्शन हो गए। अब एग्रीवेटेड पित्त दोष के फंक्शन,
एंगर गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी इम्पेशेंस, उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं होगा जिनमें पित्त एग्रवेट होगा, वो उनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आएगा, कोई भी डिसीजन लेने में घबराएंगे, लिवर डिजीजेस उनको होंगी कॉमनली, स्किन इश्यूज जो होते हैं वो भी एग्रवेटेड पित्त की वजह से होते हैं, हाई टेम्परेचर का फील होना, चक्कर आना, वर्टिगो जिसे कहते हैं, ये सब एग्रवेटेड पित्त दोष की वजह से होते हैं। अगर हम कफ दोष की बात करें, अगर कफ दोष एग्रवेटेड होगा बॉडी में तो डिप्रेशन, ये हम साइकोलॉजिकल फीचर बता रहे हैं, ओवर अटैचमेंट, ग्रीड, लेजीनेस, ये होगा। अगर फिजियोलॉजिकल एग्रवेटेड दोष की बात करें तो कहीं भी इचिंग हो रही है बॉडी में, उसके लिए एग्रवेटेड कफ दोष रिस्पॉन्सिबल है। एनीमिया, वेट गेन, वेट लॉस एग्रवेटेड बात का था, वेट गेन एग्रवेटेड कफ का है फीचर। एक्सेसिव स्लीप, डल डाइजेशन, जो पित्त है वो डाइजेशन अच्छा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन डल डाइजेशन में कफ का रोल होता है, एग्रवेटेड कफ का। डायबिटीज, साइनोसाइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, ये भी एग्रवेटेड कफ दोष का है फंक्शन। अगर हम डिक्रीज दोष की बात करें तो वात, पित्त, कफ, वात में अगर वात दोष बॉडी में कम होगा तो उसकी एक्टिविटी भी कम होगी, स्पीच भी कम होगा, उसको डाइजेस्टिव इश्यूज ज्यादा आएंगे, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। वैसे ही पित्त दोष की बात करें, पित्त दोष अगर डिक्रीज होगा, क्योंकि पित्त का मेनली फंक्शन डाइजेशन होता है, तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी कम हो जाएगी। पित्त का अभी हमने एग्रवेटेड हाई टेम्परेचर पढ़ा था, हाई टेम्परेचर पित्त से होता है, तो इसमें कोल्डनेस होगी, अगर पित्त कम हो जाएगा तो कोल्डनेस फील होगी। कफ में चक्कर आना, पैल्पिटेशन मतलब अपनी धड़कन का बढ़ा हुआ महसूस करना, जो भी ज्वाइंट है, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ ज्वाइंट के लिए कफ दोष रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वही कफ दोष कम हो जाएगा तो पूरे जोड़ों में ढीलापन महसूस होगा, ये नॉर्मल फंक्शन हो गए दोष के, और एग्रेवेटेड दोष के और डिक्रीज दोष के। ये त्रिदोष का जो बेसिक कंसेप्ट है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पंच महाभूत सिद्धांत, जो एक आयुर्वेद का बहुत फंडामेंटल थ्योरी है, में से एक है, उसे हम डील करेंगे। थैंक यू।